केकेई। केकेई राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। वे बहुत ही सुंदर और एक अप्सरा की तरह नाजुक थी। केकेई तीन रानियों में से सबसे छोटी थी, क्योंकि राजा ने उससे शादी दो रानियों के कोई औलाद ना होने के कारण की थी। वह होशियार और समझदार थी, इसलिए सब उससे प्यार और उसका आदर करते थे। वे बहुत ही दयावान थी। वे बहुत जल्दी नाराज हो जाती थी, लेकिन उतनी ही जल्दी मान भी जाती थी। केकेई के भी कोई औलाद पैदा ना होने के कारण राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। कौशल्या ने अग्नि देवता द्वारा दी गई खीर में से सबसे अधिक और केकेई ने सबसे कम हिस्सा खाया। केकेई को ईर्ष्या हुई, क्योंकि सुमित्रा ने भी दो बार खीर खाई, लेकिन उसे ही खीर का सबसे कम हिस्सा मिला। लेकिन वह पुत्र प्राप्ति के विचार से बहुत खुश थी। से बीतने के बाद कौशल्या ने राम को, केकेई ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चारों पुत्र जवान हो गए और राजा दशरथ बूढ़े हो गए। उन्होंने राम को राजा बनाकर स्वयं जंगल जाने का निश्चय किया। सब उनके इस निश्चय से बहुत खुश थे। एक सुबह राजा दशरथ को बुरे सपने आए और ज्योतिषियों ने उनके आने वाले समय के बुरा होने की भविष्यवाणी की। इसलिए राजा ने अगले ही दिन से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन राजा दशरथ को यह अंदेशा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उधर मंथरा केकेई की सबसे विश्वसनीय दासी थी और उसकी दूर की रिश्तेदार भी थी। वह रानी से उम्र में बड़ी थी। वह केकेई के शुभ चिंतक थी। केकेई राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन मंथरा ने केकेई के दिमाग में राम के विरुद्ध जहर भर दिया। उसने कहा, महारानी, तुम कितनी सीधी सादी और मासूम हो। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि जब राम राजा बन जाएगा, तब तुम और भरत उसके दास बन जाओगे। केकेई ने उत्तर दिया, मंथरा, राम के ऊपर संदेह करना उचित नहीं। वह मुझे अपनी माँ की तरह चाहता और मेरा सम्मान करता है। वह भरत को भी बहुत प्यार करता है। ये सुनकर चतुर मंथरा बोली, ओहो, राम तो केवल ढोंग करता है। कौशल्या भी तुमसे नफरत करती है, क्योंकि तुम राजा की प्रिय रानी हो। जब उसका बेटा राजा बन जाएगा, वह तुमसे बदला जरूर लेगी, चाहे कुछ भी हो। राम की जगह भरत भी तो अयोध्या का राजा बन सकता है। ये सुनकर केकेई के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, क्योंकि हर माँ अपने बेटे को राजा बना देखना पसंद करती है। बुरे समय में बुद्धि भी खराब हो जाती है, कहावत सच हुई। वही केकेई के साथ हुआ। मंथरा ने कहा, महारानी, इसके बारे में सोचो। अगर उनके मन में छल ना होता तो इतनी जल्दी क्यों होती? क्या वे भरत के ननिहाल से लौटने के बाद राज्याभिषेक नहीं कर सकते? लेकिन भरत के पीछे से ये सब करना छल ही तो है। केकेई वैसे तो बहुत सांस्कृतिक और समझदार थी, लेकिन ये सुनने के बाद उसके दिमाग में संदेह और बुरे विचार पनपने लगे। चूंकि उसे इस संसार के बारे में बहुत कम ज्ञान था,
वह बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाती थी और जिद्दी बन जाती थी। उसने कुछ भी नहीं सोचा और भरत को राजा बनाने की इच्छुक बन बैठी। मंथरा ने कैकेयी से कहा, मेरे पास एक उपाय है जिससे भरत राजा बन सकता है। कैकेयी ने पूछा, वह उपाय क्या है? मंथरा ने कहा, हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, इससे भरत का राज्याभिषेक भी हो जाएगा और राम को वनवास भी हो जाएगा। कैकेयी ने कहा, भरत का राजा बनना तो सही है, लेकिन राम को जंगल में क्यों भेजा जाए? मंथरा ने कहा, तुम कितनी सीधी हो, तुम्हें ये समझ ही नहीं कि अगर राम यहाँ रहेगा तो वह भरत को पीछे करने की कोशिश करेगा। कैकेयी के दिमाग ने सोचना बंद कर दिया और उसने तो भरत को राजा बनाने की ठान ली। मंथरा ने कैकेयी से कहा, क्या तुम्हें याद है कि एक बार राजा दशरथ राजा शाबरा के विरुद्ध लड़ाई में घायल हो गए थे, तब तुमने उनकी जान बचाई थी, तो उन्होंने कहा था तुम मुझसे दो वरदान मांग सकती हो। कैकेयी ने एकदम से कहा, आह हाँ, मुझे याद है, मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बाद में अपने वरदान मांगूंगी। मंथरा ने कहा, पहले वरदान में भरत को राजा बनाने की इच्छा प्रकट करो और दूसरे वरदान में राम को जंगल में भेजने की बात करो। मंथरा कैकेयी को उकसाने में सफल हो गई थी। उसने कैकेयी से कहा, कमरे में जाओ, अपने सारे जेवर उतार दो, गुस्से से लाल हो जाओ, खुद फर्श पर लेटकर बहुत दुख प्रकट करो, दिल से चीखो चिल्लाओ। कैकेयी ने कुछ नहीं सोचा और मंथरा के हाथ की कठपुतली बनकर उसने अपना खेल